गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल अनमन बेबी दीति। यहाँ पे देखिए दीति बिजी है एक डब्बे के साथ और ये डब्बा से कुछ करने वाली है। मम्मा क्या करेंगे इसमें? इसमें पानी डालो। इसमें पानी डालेंगे। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग डालेंगे इसमें पानी और कुछ बनाएंगे। चलिए आप लोगों को दिख, चलिए इसमें से और भी कुछ चीज़ चाहिए हमें बनाने के लिए। और ये है वो चीज़। इसमें बहुत सारा टॉयज है मानू का, जो मानू अलग करके रखेगी। और स्टोन सारा किसका है माँ? मम्मा का। वाइट स्टोन एंड ब्लैक स्टोन सब मेरा है और बाकी टॉयज है मानू का। और फ्रेंड्स, हम लोग बनाने जा रहे हैं एक इंडोर पॉट इससे। और देखिए, और मैं डालने वाली हूँ इसमें ये प्लांट। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस प्लांट बट वेरी ब्यूटीफुल। सी फ्रेंड्स, आप लोग ये प्लांट को क्या बोलते हो? आप लोग जरूर पानी डालेंगे इसमें। इसमें उसमें वो तो नहाने का टाइम, कल हम लोग जब नहाएंगे तब। सो फ्रेंड, मैंने एक सिंपल सा आइडिया सोचा है जिससे मैं इस बोतल का यूज़ कर सकूं। और आज ही मुझे ये प्लांट मिला जो कि ना बहुत यूनिक है, बहुत प्यारा है। ये थोड़ा क्लोज टाइप का ही रहता है और इसका बीच में फ्लावर आता है। फ्रेंड्स ये देखिए, मानू ने आप लोगों के लिए चाय भी बना दिया है। सो प्लीज़ टेस्ट इट। ओके, आप बनाइए और मैं तब तक सेट करती हूँ ये वाला पॉट। हाँ, ये मैं कोशिश कर रही हूँ वाटर पॉट बनाने, वाटर इंडोर पॉट, जिसको मैं ये प्लांट को वाटर के अंदर ही रखूँगी। चलो मैं थोड़ा थोड़ा करके पत्थर इसमें डाल देती हूँ। क्या मानू हेल्प करेगी मेरा? हाँ डाल दीजिए। বড়গুলো দেব না, বড়গুলো দিতে হবে না, বাকি ছোটগুলো সব দিয়ে দেব। फ्रेंड्स बता दो आप लोगों को, ये जो आप ये जो स्टोन्स, चॉक पीसेस एंड ये जो किचन सेट देख रहे हैं, ये मानू का रखा हुआ लास्ट 1 ईयर से इसी तरह है। बीच में ऐसा हुआ था कि मानू खाना ही छोड़ दी थी। सो हम लोगों ने, वाह, हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया। फाइनली हम लोग उसको खिलाने सके थे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोन्स। हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों ने वेट माँ, इसमें ना थोड़ा सेट भी करना है। ये स्टोन्स, ढेर सारा पानी, ये वाला बाउल में पूरा पानी रखते थे हम लोग और उसमें स्टोन्स एक एक करके डालते थे और मानू हैप्पी हो जाती थी, हंसती थी और एक एक बार एक एक निवाला। और उसके बाद ये टी कप और उसमें ये स्पून से पानी भरा जाता था और सूप बनाती थी और हम लोग वही खेल खेल में इसको खिलाते थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने घर में बच्चों को खिलाने के लिए क्या क्या करते हैं ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, सो दैट वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट आवर किड्स। क्योंकि कभी कभी बहुत बहुत ही मतलब ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग कैसे खिलाए, सोच सोच के परेशान हो जाते हैं बच्चों को। इसमें अगर हम लोग कुछ मल्टी कलर का भी रख दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मामा प्यार लगते हैं,
क्या हुआ? क्या है? कॉकरोच तो फ्रेंड मैंने इसे तो तैयार कर लिया है, अब इसमें डालने वाली हूँ पानी। और ये मैं कोई ऊंचा जगह में रख दूंगी ताकि ये पोर्शन जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे नीचे तरफ आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लावर भी आएगा और सारक में कली भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्लांट है इसको आप डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं और ये वाटर प्लांट भी है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। और मानू का ये प्यारा प्यारा खेल कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, हमारा अभी होमवर्क का टाइम है ना माँ, अभी होमवर्क करना है ना। ओके डाल दो इधर।